दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप लोग देख रहे हैं यूथ कांग्रेस की प्रेस वार्ता होने वाली है और हरियाणा के प्रेसिडेंट दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं और फरीदाबाद के प्रेसिडेंट नितिन सिंगला हैं और अभिलाष नागर जी हैं आपके सामने हैं। अभी बातचीत करते हैं, पूछते हैं प्रेस वार्ता का पर्पज क्या है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। लाइव देख रहे हैं आप लोग। सर बताइए, सर बताइए। इंट्रोड्यूस कर दूं पहले आपको? हाँ, देखिए सबसे पहले तो सभी हमारे पत्रकार साथियों का हम स्वागत करते हैं कि आप आज यहाँ पर आए। इस पत्रकार वार्ता के अंदर बड़े छोटे समय में आप लोग यहाँ पर उपलब्ध हुए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है जिला फरीदाबाद यूथ कांग्रेस। आज आपके बीच में, हम सबके बीच में प्रदेश के हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा जी आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ फरीदाबाद पहुँचने पर। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता के अंदर जिला फरीदाबाद युवा कांग्रेस ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भाई अभिलाष नागर जी, हमारे प्रदेश के महासचिव भाई अंशु शर्मा जी, हमारे बीच में भाई जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण से श्री चुनू राजपूत जी और बहुत ही मजबूत हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री सागर कौशिक जी बड़कल से, हमारे बहुत ही मजबूत जिला विधानसभा अध्यक्ष NIT से मुश्ताक खान जी, बहुत ही मजबूत विधानसभा अध्यक्ष हमारे प्रणव शर्मा जी फरीदाबाद 89 से, आकाश शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा से बहुत ही मजबूत हमारे अध्यक्ष, और सभी युवा साथी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। आज यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा जी आप सभी के बीच में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने आए हैं। उसका क्या विषय है, क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में सारा उल्लेख प्रदेश अध्यक्ष जी अपने जहन से देंगे। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। दिव्यांशु जी बताइए। सभी प्रेस के सम्मानित साथियों का हम स्वागत करते हैं और हमारे बीच में फरीदाबाद युवा कांग्रेस शहरी के जिला अध्यक्ष हमारे साथी भाई नितिन सिंगला जी, फरीदाबाद ग्रामीण के हमारे जिला अध्यक्ष साथी अभिलाष नागर जी, चुन्नू राजपूत जी, प्रदेश में सचिव अंशु शर्मा जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष साथी प्रणव शर्मा जी, सागर कौशिक जी, मुश्ताक खान जी, आकाश शर्मा जी, आज की प्रेस वार्ता जो आपके बीच में हम लोग पहुंचे हैं, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से देश के अंदर कभी संसद में कभी सड़कों पर विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का काम केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में यह सारा सिलसिला जब शुरू हुआ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब पब्लिक हुई अदाणी मामले को लेकर, और उसके बाद जब कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने इस मामले को संसद में उठाया, मीडिया के सामने उजागर किया, उसके बाद से राहुल गांधी जी पर शिकंजा कसने की, उन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से डराने की कोशिश, कभी उनके घर पे दिल्ली पुलिस की दस्तक भेज के इस मामले को दबाने की कोशिश, उनको डराने की धमकाने की साजिश इस सरकार के द्वारा की गई। राहुल जी ने लगातार संसद में सिर्फ एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जवाब दें कि अदाणी जी और मोदी जी का क्या रिश्ता है। जब राहुल जी ने पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत की जो वर्किंग थी उसको म्यूट किया गया। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हुई, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय चैनल्स ने इसको कवर किया कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट को म्यूट किया गया। पार्लियामेंट में जो चर्चा चलती थी वो लोगों तक ना पहुंचे। वो अदाणी शब्द से मोदी जी को इतना परहेज क्यों है, क्यों मोदी जी नहीं चाहते कि अदाणी मामले को लेकर लोगों के बीच में सच्चाई आए। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों पैसा जो है आम आदमी का, वो आज PSUs के माध्यम से अदाणी ग्रुप में लगा हुआ था, आज वो पैसा डूबने की कगार पे है। अदाणी ग्रुप ने मैनिपुलेट करके, शेयर्स मैनिपुलेट करके गलत तरीके से उस पैसे का, जो हिंदुस्तान के आम नागरिक का पैसा था, आज वो पैसा SBI LIC जैसे PSUs के माध्यम से डूबने की कगार पर है। लगातार राहुल गांधी जी ने इस मामले को लेकर यह सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी जी अदाणी मामले को लेकर JPC का गठन करें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। विपक्ष के नेताओं ने लगातार संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, चाहे वो संसद में वॉकआउट करने की बात थी, चाहे
सड़कों पर उतरकर काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज करने की बात थी, लेकिन केंद्र की सरकार इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री संतरी और हम तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्यों भाजपा के लोगों का इस मुद्दे के ऊपर उनकी जबान सिली हुई है? क्यों नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे को लेकर लोगों के सामने कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे? क्यों इस मामले को लेकर इवन एक प्रेस नोट भी भाजपा के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा? आज ये सवाल लोगों के जहन में है। लोग आज इस बात की चर्चा ग्रामीण अंचल में भी करते हैं कि आखिर मोदी जी और अदाणी जी का ऐसा क्या रिश्ता है कि जो बार बार कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, बावजूद उसके भाजपा की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भाजपा के किसी नेता का, किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आ रहा। और जब राहुल जी ने यह मामले को लगातार पार्लियामेंट में उठाया तो एक डिफेमेशन 2019 के केस में उन्हें जो सजा हुई हिंदुस्तान के इतिहास में, अगले ही दिन उनको आनन फानन में उनकी पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द की गई। इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। भाजपा वाले लोगों का दिमाग, लोगों का ध्यान गलत दिशा में डाइवर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग राहुल जी की सदस्यता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आज हम बात कर रहे हैं अदाणी मामले को लेकर। इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि क्यों सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है, क्यों पार्लियामेंट को अदाणी मामले पर म्यूट किया जा रहा है, क्यों दिल्ली पुलिस की दस्तक राहुल गांधी जी के घर पर दी जा रही है, और जब राहुल जी ने इस मामले को उठाना बंद नहीं किया तो क्यों उनकी सदस्यता आनन फानन में रद्द की गई? वो सिर्फ एक ही वजह थी कि नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते कि संसद के अंदर या बाहर या मीडिया में या विपक्ष के कोई भी व्यक्ति अदाणी मामले को लेकर कोई चर्चा करे। उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। अभी हमारे कुछ साथियों पर मुकदमा दर्ज करने का काम इस सरकार ने किया इसी मामले को लेकर। हम आज भी सरकार से यही सवाल पूछते हैं, सरकार अदाणी मामले को लेकर इतनी डिफेंसिव मोड में क्यों है? वो 56 इंच की छाती, वो लाल आंखें अदाणी मामले पर बंद कैसे हो गई? वो 56 इंच की छाती 26 इंच की कैसे हो गई? ये सवाल आज मीडिया के माध्यम से हम लोग पूछना चाहते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, प्रदर्शन किए, पोस्टकार्ड अभियान चलाया। जो सवाल सरकार इस देश के चुने हुए सांसदों को जवाब देना वाजिब नहीं समझती, वो सवाल हम पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं और उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अदाणी मामले पर वो लोग क्यों चुप हैं। और एक सवाल का जवाब अगर मोदी जी दे दें तो मैं ये समझता हूं कि इस पूरे हिंदुस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में गरीब नहीं रहेगा अगर एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी दे दें। वो ये बताएं कि 8 साल में कैसे उनका प्यारा मित्र अदाणी, जो दुनिया में 609वें स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति था, वो इन 8 सालों में कैसे दूसरे रैंक पर पहुंच गया? ऐसा कौन सा चमत्कारी फॉर्मूला, ऐसा कौन सा चमत्कारी सूत्र नरेंद्र मोदी जी ने अदाणी जी को बताया है जिसकी वजह से आज 609वें रैंक का व्यक्ति दूसरे स्थान पर पहुंचा है? अगर ये सूत्र हमें पता लग जाए, अगर ये सूत्र हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाए, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रदेश से, देश से बेरोजगारी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो मुख्य आज आपके बीच में आए हैं, हमने प्रयास किए सरकार को जगाने के, सरकार से सवाल पूछने के, लेकिन सरकार इस मामले पर अपने होठ सिले बैठी है, सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती। इसलिए युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि हम लोग इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार से सवाल पूछने के लिए हम एक विशाल मशाल जुलूस का आयोजन करेंगे और हरियाणा का प्रदेश स्तर का लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस कार्यक्रम हम लोग फरीदाबाद जिले के अंदर, शहरी जिले के अंदर हम लोग करेंगे। 10 अप्रैल शाम 5 बजे
हम लोगों ने इस कार्यक्रम को निर्धारित किया है अग्रवाल धर्मशाला पथवरी मंदिर ओल्ड फरीदाबाद से QRG हॉस्पिटल वाया मेन मार्केट हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। हजारों नौजवान साथी हाथों में मशाल लिए, क्योंकि मशाल क्रांति का प्रतीक है, मशाल क्रांति का प्रतीक है, और वो मशाले पकड़े हमारे नौजवान साथी सड़कों पर निकलेंगे, लोगों को पता लगे कि ये सरकार किस प्रकार की धक्काशाही आज विपक्ष के नेताओं के साथ कर रही है। अगर विपक्ष के इतने कद्दावर नेताओं की सरकार आवाज बंद करना चाहती है तो कल को वो समय भी दूर नहीं है कि बीजेपी इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर देगी। लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक कांग्रेस जिंदा है, जब तक हमारे रगों में खून है, बीजेपी को, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, मनोहर लाल खट्टर को हम लोग इस प्रकार से धक्काशाही नहीं करने देंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी वो मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता, फरीदाबाद जिले के सभी नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित रूप से शामिल होंगे। और लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस जब कल फरीदाबाद में निकलेगा तो उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होगी। प्रतिदिन आप देखिए, कल राजस्थान के अंदर युवा कांग्रेस का बड़ा मशाल जुलूस था, परसों हिमाचल के अंदर हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने इस मशाल जुलूस में शामिल हुए और सरकार से सवाल पूछे। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी प्रत्येक प्रदेश में युवा कांग्रेस के बैनर के नीचे हम लोग ये मशाल जुलूस का आयोजन कर रहे हैं, और कल का हमारा मशाल जुलूस फरीदाबाद जिले से निकलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो क्रांति की मशाल हम लोग लेके निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं सरकार के कानों पर असर पड़ेगा और सरकार को अदाणी मामले पर जो सरकार चुप्पी साधे हुए है, सरकार को उसका जवाब देना होगा। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से हमारे जिला के अध्यक्ष शहरी नितिन सिंगला जी यहाँ पे आयोजक हैं। फरीदाबाद के बाकी हमारे सभी साथी इसमें मुख्य रूप से ताकत लगाएंगे। हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकरण इसमें शामिल होंगे और इस मशाल जुलूस को ऐतिहासिक बनाएंगे। आपको सवाल लेना चाहिए, जरूर कहां से निकलेगा और कहां पे जाकर इसका समापन होगा? देखिए, फरीदाबाद में ये अग्रवाल धर्मशाला पथवरी मंदिर ओल्ड फरीदाबाद से QRG हॉस्पिटल तक हमारा ये मशाल जुलूस रहेगा वाया मेन मार्केट। इसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जो युवा कांग्रेस के हैं वो मुख्य रूप से शामिल होंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा शॉर्ट इंटरवल पर निर्धारित हुआ। प्रदेश कांग्रेस के हमारे सीनियर्स नेताओं से हमारी बात चल रही है, उम्मीद है कि शाम तक उनका कंफर्मेशन भी हो जाएगा और सभी सीनियर नेता इसके अंदर शामिल होंगे। जब रिपोर्ट आई थी नंबर की तो अडानी ने कहा था ये भारत पर हमला है, क्या अडानी भारत है? यही सवाल तो हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं। आज भारत को इन्होंने अडानी के अंदर सीमित कर दिया। अडानी मामले पर सरकार स्पष्टीकरण दे। JPC कमेटी गठन करना किसी का यह मतलब नहीं है कि किसी को कटघरे में खड़ा कर देना या उसको सजा दे देना। एक इंक्वायरी बिठाने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई दोष है, अगर किसी व्यक्ति पर कोई उंगली उठा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा क्यों उस व्यक्ति की जांच कराने से भाग रहे हैं? या तो उनके मन में खोट है कि अगर इसकी जांच होगी तो उसका सेक पता नहीं भाजपा के किन किन नेताओं पे पहुंचेगा, शायद इसलिए उसको बचाने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। तो ये पूर्ण रूप से गलत है। इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र जिंदा है, उसके तहत जो कार्रवाई बढ़ती है। आज से पहले क्या JPC का गठन किसी मुद्दे पर नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, तो सरकार इस मुद्दे पर JPC गठन से क्यों भाग रही है? देखिए, बतौर विपक्ष हमारी ये जिम्मेवारी है कि जब भी जनहित के मुद्दों पर केंद्र में बैठे तानाशाह लोग धक्का करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, विरोध दर्ज करेंगे, लोगों को अपने साथ सम्मिलित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से ये सरकार आपके हितों के साथ धक्का कर रही है। आज वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज इस सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनका जो दिमाग का लेवल है, जो इनका सोचने का स्तर है, वो पूर्ण रूप से ही अपने आप को जमीन से 4 फुट ऊपर सोच रहे हैं। अच्छा। आज नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर कहीं
अडानी मामले पर ना ही उन्होंने कोई आज तक प्रेस नोट जारी किया, ना ही इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण उनके किसी मंत्री ने दिया। तो सरकार अगर धक्काशाही करेगी तो बतौर विपक्ष होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों को बताएं और लोगों की आवाज बनके सड़कों पर प्रदर्शन। क्या कहना चाहेंगे सर, ये भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बौखलाहट थी जो देखने को मिली है, या फिर 2024 की दिशा दिखाई जा रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जब हमारे मेवात के अंदर जब एंट्री हुई, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का इतना सफल आयोजन रहा, कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी ने, लोगों ने सड़कों पर निकल के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को देखने की और उनके साथ उन मुद्दों पर जुड़ने की होड़ लगी हुई थी, मेरे को फरीदाबाद का वो समय भी याद है। पैर के ऊपर पैर रखने की जगह नहीं थी, लोगों के ऊपर लोग चढ़ रहे थे। और आज बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल जी की उस पॉपुलैरिटी से डर रही है। राहुल जी पर बार बार शिकंजा कसना, राहुल जी की सदस्यता को रद्द करना, ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जो करी आपने 2024 की बात, मैं आज फरीदाबाद आया हूं, मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं, शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन मेरी गाड़ी कहीं ब्रेक मारती हो। मैं ये बात हमेशा हर जिले में मीडिया के सामने कह के जाता हूं, मेरे से आप कागज पे लिखवा लो, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। 2024 में हरियाणा के अंदर बीजेपी दो डिजिट में भी नहीं रहेगी। बड़े से बड़े मंत्री, संतरी और समेत मुख्यमंत्री का लोग सफाया करेंगे। करनाल जिले में मैं रेगुलर जाता हूं, लोगों का इतना ज्यादा विरोध मनोहर लाल खट्टर जी के लिए है, तभी ये चर्चाएं आज के समय तेजी पकड़ रही हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी कहीं फरीदाबाद की किसी विधानसभा से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं पंचकुला के किसी विधानसभा से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं गुड़गांव की किसी विधानसभा से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद अपनी राजनीतिक जमीन करनाल से खो चुके हैं। देखिए, ये मामला केंद्र की सरकार का है, लेकिन इसमें जिम्मेवारी भाजपा के प्रत्येक उस जिम्मेवार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की है जो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा हुआ है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे कैबिनेट में बैठे किसी मंत्री की बात हो और चाहे केंद्र में बैठे किसी मिनिस्टर की बात हो। बहुत सारे अपोजिशन वाले लीडर हैं, वो चाहते हैं राहुल गांधी अपील ना करें, एक तरह से उनको उकसा रहे हैं कि अपील मत करो, कुर्बान हो जाओ, और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अगला चुनाव ना लड़ें और पीएम पद की रेस से बाहर हो जाएं। इस पर क्या कहेंगे, जो नेता खुश हैं? देखिए, किसी की खुशी या दुख जिनको जिस बात से है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन लीगली, क्योंकि हमारी लीगल टीम कांग्रेस की उसके लिए काम कर रही है, जो उसमें लीगली चीज़ें करनी होंगी, चाहे वो हायर कोर्ट में जाना हो, तो वो सारी चीज़ें लीगल तौर पे थंगाली भी जा रही हैं और उस पर जो भी कार्रवाई लीगली बनती है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में प्रभारी कौन था हरियाणा का, जो है चुनाव प्रभारी कौन था, कौन था कांग्रेस का जो प्रभारी, कौन था हरियाणा में? आजाद साहब थे, उस आजाद साहब थे। कुछ लोगों को कहना है कि मुंह में राम बगल में छुरी थी उनकी, जो आज के लोग जैसे बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब कुछ लोगों का कहना है जो हरियाणा के प्रभारी थे लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया 2019 में भी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, वो अब परिस्थितियों के हिसाब से लोग अपनी बात बदलते हैं। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन प्रदेश के अंदर कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। आज हरियाणा के अंदर जो प्रदेश कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व है, आज हुडा साहब और उदय भान जी जो CLP और PCC अध्यक्ष हैं, और जो हमारी समूची कांग्रेस की लीडरशिप है दीपेंद्र हुडा जी, आज मैं आपको 100% ये लिख के कह सकता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे, आप चाहे ग्रामीण अंचल में चले जाओ चाहे शहरी एरिया में चले जाओ, आज लोगों के दिलो दिमाग में जबान पे एक बात है। और आज मैं आपको ये बात बता दूं कि इस चुनाव का, 2024 के चुनाव का ना कांग्रेस इंतजार कर रही है ना भाजपा इंतजार कर रही है, 2024 के चुनाव का तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो मशीन हमारे सामने होगी और वो खटका इतनी जोर से दबाएंगे कि उसकी आवाज चंडीगढ़ तक जाएगी। ये तो सब ठीक है, लेकिन आपके संगठन ही नहीं आपके पास, तो आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके अपने कार्यक्षेत्र में मेरी जो चीजें आती है मैं आपको सामने से कहना चाहूंगा। हमारे बड़े मजबूत 31 जिलाध्यक्ष हैं,
क्योंकि हमारे संगठन के हिसाब से शहरी और ग्रामीण को अलग अलग बांटा हुआ है। 90 के 90 हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे पास उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, और अब उसके बाद हमने ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर अपने संगठन निर्माण का काम शुरू कर दिया है। आने वाले 3 महीने में आप देखेंगे प्रत्येक बूथ पर 5-5 नौजवानों को जोड़ने का कार्यक्रम बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के माध्यम से युवा कांग्रेस कर रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित, बहुत ही मधुरभाषी हमारे अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूरे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया, मेरे जिले पे, मेरे सभी अध्यक्षों पे, मेरे साथी अध्यक्ष अभिलाष नागर पे हम पे भरोसा जताया और भरोसा जताते हुए जिम्मेवारी हमें सौंपी। और मैं आपको बता दूं, आप जैसा कि सारे मीडिया के जितने साथी हैं फरीदाबाद के लोग, मैं श्री लखन सिंगला जी का पुत्र हूँ, इससे तो कोई दोराहे नहीं, और जो आप लोग जानते हैं जिस तरीके के कार्यक्रम वो करते आए हैं, उन कार्यक्रमों से हमने भाई पार्षद, पूर्व पार्षद रोहित सिंगला जी ने हम लोगों ने कुछ सीखा है, और आज उनके पथमार्ग पर चलते हुए, मेरे आदरणीय नेता दीपेंद्र हुड्डा जी के मार्ग पर चलते हुए, उदयभान जी के मार्गदर्शन में और हमारे सबके अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हमने सीखा उसको देखते हुए, कल आप फरीदाबाद के अंदर, मैं आपको भरोसा दिलाने जा रहा हूँ कि आप ऐतिहासिक मशाल जुलूस यात्रा देखेंगे। शायद मुझे लगता है कि सभी मीडिया के साथी जब लास्ट में जब इस कार्यक्रम का समापन होगा तो आप हमारी पीठ थपथपा के जाएंगे कि आखिरकार फरीदाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी ने इस विपक्ष का एक रोल निभाते हुए इस भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। कल की तैयारियां हैं और तैयारियों को का परिणाम कल मिलेगा, कल पता लगेगा, कल आप ही पास और फेल हमें करेंगे, कल मीडिया बताएगी कि क्या इन युवाओं ने मिलके, इन अध्यक्षों ने मिलके, मेरे साथी युवा विधानसभा अध्यक्षों ने मिलकर जो मेहनत करी, क्या वो सफल हुई कि नहीं हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पिछले 12 साल से यूथ कांग्रेस के अंदर काम कर रहा हूं। हमारी पहली जो सीढ़ी है वो NSUI होती है, छात्र राजनीति, उसके बाद में युवा राजनीति, हमारी युवा कांग्रेस होती है, फिर हमारी बड़ी कांग्रेस होती है। जब से युवा कांग्रेस में आया हूँ, जितने भी अध्यक्ष प्रदेश के अंदर रहे मैंने सभी के साथ काम करा, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चाहे वो लेट श्री राजीव सातव जी रहे, चाहे वो राजा बराड़ जी रहे, चाहे वो हमारे अब के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी रहे, केशव चंद यादव जी रहे, मैंने सबके साथ काम किया है। लेकिन प्रदेश के अंदर जितने भी अध्यक्ष अब तक बने हैं, पहले भी चुनाव से बने हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग भी चुनाव से जीत के आए हैं, लेकिन मैंने ऐसे ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई दिव्यांशु जैसे, ऐसे विचार अध्यक्ष के साथ कभी काम नहीं करा, मैं आपको आज ये बात मीडिया के माध्यम से बता दूं। और इन्होंने फ़ोन करा कल 12 बजे कि सिंगला जी आपने ये कार्यक्रम करना है, मशाल जुलूस निकालना है, फरीदाबाद जिले को ये मौका दिया जा रहा है। मैंने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके अपनी टीम से बात करी, सभी अध्यक्षों से उन्होंने उसमें हामी भरी। और आपको कल का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बता दूं कि हम लोग अग्रवाल सदन तेलमिल वाली धर्मशाला पर सब एकत्रित होंगे। हमारे जो कल के अतिथि हैं वो कल हम उनका इंतज़ार करेंगे। हमने 5 बजे का निमंत्रण सभी को दिया है। हमारी कोशिश होगी कि 5 से 6 के बीच में हम इस यात्रा को शुरू कर दें, मशाल लेकर हम इस यात्रा को लेंगे। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये होगा। हमारा संदेश लोगों तक सिर्फ ये संदेश पहुँचाने का मकसद है कि ये जो लौ जल रही है हमारे हाथ में, ये जल रही है हमारे दिल में, ये एक क्रांति है जो आएगी एक ना एक दिन आप सबके भी दिल में। तो हमारा एक उद्देश्य है जिसे हम कल पूरा करेंगे। हमारा किसी की बात को सही और गलत ठहराने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इस बात का है कि क्या देश का जो विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर है हमारे राहुल गांधी हैं, क्या आज ऐसे दिन आ गए हैं कि किसी कोर्ट ने, किसी न्यायालय ने आज तक भी किसी को इतनी बड़ी मैक्सिमम सज़ा अगर दी हो तो उसका नाम बताया जाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम कल इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, इस मशाल यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी का फरीदाबाद का जो पहला आगमन है उसमें पुरजोर तरीके से उनका स्वागत करेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ लीडरों से हमारा संपर्क चल रहा है, वो भी शायद इसमें शामिल होंगे, और फरीदाबाद के सभी वरिष्ठ लीडरों को भी हमने इसका आमंत्रण दिया है कि वो सब इसमें आएँ।